पाकिस्तान दे 11 विरोधी पार्टियां वालों पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट दे झंडे हेठ पाकिस्तानी पंजाब दे गुजरांवाला अते देश दे सब तों वड्डे शहर कराची विखे शक्ति प्रदर्शन कीता गया सी। विरोधी पार्टियां वालों जमात उलेमा इस्लाम दे मुखी मौलाना फजल उर रहमान नूं पीडीएम दा मुखी चुनिया गया। इस मौके मौलाना फजल उर रहमान ने पाकिस्तानी फौज नूं चेतावनी दिंदिया कहा कि ओह सारियां तहसीलां जिलियां शहरां अते डिवीजनां विच स्थित सरकारी दफ्तरां नूं खाली करे। मेरी नज़र इस मौजू पे सिर्फ सिंध पर नहीं, मैं सोचता हूं कि एक तवील अरसे से फौज ने पूरे मुल्क को कंट्रोल संभाला हुआ है। हर तहसील में एक मेजर बैठा है, हर जिले में एक कर्नल बैठा है, हर डिवीजन पर एक ब्रिगेडियर बैठा है और पूरा सूबा जो है वो चला रहे हैं। एपेक्स कमेटियां बनी हुई हैं, उनमें एक फौजी अफसर हर कीमत पर मौजूद रहता है, उसके सामने डिप्टी कमिश्नर, एसपी, डीआईजी, कमिश्नर सब बेबस नजर आते हैं। कल जो वाकया हुआ है इसने साबित किया है कि इस तरीके से इंतजामी उमूर फौज के कंट्रोल में आना, चाहे उसका नाम सिविल इंतजामिया सपोर्ट का कानून क्यों ना हो, अब ये सूरत हाल ऐसी तस्तरबाम हो गई है कि हमारे सबसे मुअज्जज और मुख्तरम इदारा फौज पर हर्फ आ गया है। लिहाजा मेरा मुतालबा ये है कि पूरे मुल्क के हर जिले, हर तहसील, हर डिवीजन और हर सूबे के इंतजामी उमूर से फौज दस्तरदार हो जाए और वापस चली जाए और सिविल इंतजामिया के हवाले मुल्क को किया जाए। इम्कान है कि हर जगह पर सिविल इंतजामिया का यही रद्द अमल सामने आए। तो इस सूरत हाल में बड़ी सराहत के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमने मुल्क को एक रखना है, अवाम और इदारों के दरमियान एतमाद रखना है, सिविल फौजी इदारों ने एक दूसरे पर एतमाद करना है, तो फौज हर जगह पर इंतजामी उमूर में अपनी बारादस्ती के ख्वाहिश को खत्म कर दे, तब जाकर एक एतमाद का माहौल पैदा होगा।